हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग का एक और टॉपिक जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। वाउचिंग क्या होती है, वाउचिंग की मीनिंग, उसकी डिफिनेशन, उसके क्या फीचर्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने ऑडिटिंग पे बहुत सारी जो है वीडियोज़ जो है अपलोड की हैं, उसे भी आप देख कर अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, वाउचिंग की अगर हम बात करें, जो पहले हम वाउचिंग का मतलब जानने से पहले जानेंगे कि वाउचर क्या होता है। ठीक है, वाउचर किसे कहते हैं? वाउचर क्या होता है? एक सबूत या प्रमाण, या यूँ कहें कि एक एविडेंस होता है जिससे ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाउचर। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी एंट्रीज की जाती हैं वो ऐसे ही नहीं कर दी जाती हैं, ये सारी एंट्री किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर की जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रूफ या एविडेंस क्या है, होना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं। तो वाउचिंग की यहाँ डिफिनेशन मैंने लिखी है, इट रिफर्स टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जामिनेशन टू एश्योर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसे हम बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, MCQ में भी पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी पूछे जाते हैं कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग किसे कहा जाता है, तो वाउचिंग को कहा जाता है। इसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट ऑडिटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। इसको किस किस नाम से जानते हैं वाउचिंग का? एक बैकबोन होता है ऑडिटिंग का, दूसरा ये एसेंस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एक होता है एसेंस ऑफ ऑडिटिंग का, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडिटिंग का। अगर मान लीजिए हमें अब चाहे कोई हमें क्या करना है, गुड परचेस की गई हो या किसी एक्सपेंसेस को पेड किया गया है, इन्हीं इनकी क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की क्या होती है? इंस्पेक्शन या जांच की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वाउचर ये हुआ इसलिए जिसपे कि हम ये पता लगाते हैं कि क्या है, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या नहीं, और उस बेसिस पे एक हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या इंस्पेक्शन की जांच की जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई सामान परचेस करते हैं, तो सेलर, जो सेलर होता है यानी जो सामान को बेच रहा है, वो उस सामान के साथ क्या है, सामान के साथ हमें एक क्या होता है, रसीद देता है। तो रसीद देता है, ये एक बिल देता है जिस पर लिखा होता है कि हम कौन कौन से सामान क्या है परचेस कर रहे हैं। तो ये वह विक्रेता क्या होता है, हमें सामान के साथ रसीद या बिल भी देता है जिस पर हम कौन हैं, कौन सा सामान हम परचेस कर रहे हैं, उसका नाम, रेट, टोटल अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती, उस रसीद में क्या होती हैं, रहती हैं। तो अब हम उस कस्टमर से, हम उस रसीद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसे हम फाड़ कर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन यही बिल अगर हम बात करें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह किसी भी बिजनेस लेन देन का एक क्या होता है, प्रूफ होता है, सबूत होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाउचर कहते हैं। और बिजनेस में इसे क्या होता है, संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्या होती हैं, सारी एंट्रीज होती हैं। तो वाउचर की डिफिनेशन भी अगर हम बात करें कि एक वाउचर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज, अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वही बस बताया कि टू ए सर्टन द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाउचिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम कह सकते हैं ऑडिटिंग की सफलता इसी वाउचिंग पे क्या होती है, बेस्ड होती है, आधारित होती है, कि वाउचिंग का काम जितनी हम चतुराई से और अच्छे से किया जाएगा, ऑडिटिंग का काम भी उतना ही अच्छे से होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा। और वाउचिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यदि वाउचिंग का काम ठीक ढंग से अगर नहीं किया जाए तो ऑडिटिंग का भी काम क्या है, अच्छा नहीं होगा। साथ में साथ क्या होता है कि अकाउंटिंग बुक की जो कोई भी एरर या फ्रॉड नहीं होने होंगे और बिजनेस लॉन्ग टर्म से क्या होगा, अच्छे से चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडिटिंग के, ये बता चुका है मैंने कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इसके बिना क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसी पे बेस्ड होता है कि जितनी अच्छे से किया जाए ऑडिटिंग का काम भी इतना होगा अच्छा। दूसरा, इट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज साक्ष्य का समर्थन करें, मीन्स इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इसमें सिर्फ बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसी को रिकॉर्ड किए जाते हैं, एरर इंश्योर करेक्टनेस, शुद्धता सुनिश्चित करता है।
ठीक है, ये क्या करता है, वॉचिंग से हमारी जो गलती होती है उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों का परीक्षण, जो भी एंट्रीज की जाती हैं उसको क्या है, एग्जामिन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ऑडिटिंग के क्या मीनिंग होते हैं, उसकी डिफिनेशंस और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं।